नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिजिटल विला में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो गूगल मैप बिजनेस है उसको किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि वो नंबर वन पे रैंक करने लग जाए या टॉप थ्री में रैंक करने लग जाए, ताकि आपका बिजनेस हर जगह विजिबल हो सके, आपको लोग सर्च कर सके और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट बन सके। दोस्तों अगर आप में से बहुत से लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन आए होंगे तो उन्हें दिक्कत जरूर होती होगी, क्योंकि उनका GMV जो होता होगा वो रैंक नहीं करता होगा, काफ़ी नीचे रहता होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 चेकलिस्ट जिसको अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो GMV है, गूगल मैप बिजनेस है, वो रैंक करने लग जाएगा और आपके क्लाइंट भी बनने लग जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला स्टेप जो है वो आपको करना चाहिए दोस्तों कि फाइंड 3 कंपैरेटर्स हु आर रैंकिंग ऑन योर टारगेट कीवर्ड। मान लीजिए दोस्तों कि आपका ना कोई टारगेट कीवर्ड है जिसपे आप रैंक करना चाहते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे को यहाँ पे है इंग्लिश इंस्टीट्यूट नियर मी, मैंने ये सर्च किया, मैं चाहता हूँ कि मैं इस कीवर्ड पर रैंक करूँ और मैंने इसको सर्च किया। तो जैसे ही मैंने दोस्तों यहाँ पर सर्च किया, अब मैं देखूंगा कि ऐसे कौन से वेबसाइट है, ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है इंग्लिश के जो यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। तो देखिएगा टॉप में ये है 1, 2 और 3 करके यहाँ पे जो वेबसाइट है या जो है वो रैंक कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले तो आपको ये फाइंड कर लेना है कि आपके कंपटीशन में है कौन, जिस भी कीवर्ड पर आप रैंक करना चाहते हैं उसमें कौन कौन से कंपटीशन में लोग हैं। तो 3 लोगों का आपको डेटा थोड़ा सा देखना है, पहले इनको आपको ना एनालाइज करना है कि ये जो 3 बंदे हैं ये ऐसा क्या कर रहे हैं ताकि ये रैंक कर रहे हैं बहुत सारी चीजों पर, इसको आपको पहले देख लेना है। तो एनालाइज में क्या है दोस्तों, इनका पहले आपको टाइटल देखना है, डिस्क्रिप्शन देखना है, रिव्यूज देखने हैं और इनकी सर्विस एरिया या एट्रीब्यूट्स देखने की क्या क्या ये प्रोवाइड करते हैं। तो मान लीजिए कि आप किसी भी उसको एनालाइज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि इंडियन इंग्लिश है, ठीक है, इसको आप एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जाके देखना होगा कि क्या क्या डाला हुआ है इन्होंने। देखिए इन्होंने डाला है इंडियन इंग्लिश, इसका नाम है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ आप नीचे जाके एनालाइज कर सकते हैं। इनका सर्विस ऑप्शन है, सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इनका एड्रेस क्या है, कहाँ ये सर्विस देते हैं, ठीक है, कब कब ये ओपन रहते हैं, इनका ये भी आपको देखना है, इनका ओपनिंग आवर क्या है, ठीक है, लोगों ने जो रिव्यूज लिखे हैं इनके उसमें वो क्या क्या है, क्या क्या ये करते हैं, देख सकते हैं कि ये क्या क्या कराते हैं, इनका सर्विस क्या है, ये सब आपको एनालाइज करना है, एक बार सब देखना है, इनके रिव्यूज पढ़ने हैं और देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड या मेन कीवर्ड यूज करते हैं ताकि ये ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों आपको, लेकिन आपको इसको टाइम देना है ताकि इसको आप एनालाइज कर सके सही से। सबसे पहले आपको तीनों कंपेटिटर को, जो भी आपके तीनों कंपेटिटर हैं, उनकी कुछ चीजें आपको एनालाइज करनी है, जैसे कि उनका टाइटल, उन्होंने क्या टाइटल दिया हुआ है। मैं एक बार और दूसरा टाइटल आपको दिखाता हूं, मान लीजिए कि ये वाला कोचिंग है तो मैंने इसका दिखा दिया। देखिए दोस्त मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका सर्विस बेस्ड हो सकता है या प्रोडक्ट आप बेचते हो, उनका अलग अलग हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए इनका नाम ये है और इस कैटेगरी में इन्होंने इसको डाल रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल इन न्यू दिल्ली, ऐसे करके कैटेगरी में इन्होंने डाला हुआ है। तो ये इन सबको आप रेप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों नीचे आएंगे आप देखेंगे कि इन्होंने FAQ में क्या डाला है, इनके रिव्यूज में कौन कौन से कीवर्ड डले हुए हैं, ये सब आपको एक बार एनालाइज कर लेना है और इसका एक नोट बना लेना है, आपको गूगल डॉक्स पे सब कुछ लिख कर रख लेना है ताकि आप ये इम्प्लीमेंट कर सके अपने भी गूगल मैप बिजनेस पर। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होगा कि इसके बाद आपको आना है चेक देयर वेबसाइट फॉर द लोकेशन पेजेस, मेक योर ओन लोकेशन पेजेस ऑन द डिफरेंट जिप कोड। अब देखो क्या होता है कि जिन लोगों ने भी यहाँ वेबसाइट बनाई हुई है, जिन लोगों ने भी यहाँ GMB अपना डाला हुआ है, पहले ये देखना कि क्या इनकी वेबसाइट है। अगर इनकी वेबसाइट है तो क्या इन्होंने लोकेशन पेजेस बना रखे हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि लोकेशन पेजेस क्या होते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ लोकेशन पेजेस क्या होते हैं। मतलब ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी आपको 3 जो लिस्ट आपको यहाँ दिखाई दे रही है, पहले आप इनकी वेबसाइट विजिट करें। वेबसाइट विजिट करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि इन्होंने बहुत सारे ऐसी पोस्ट लिखी होंगी या बहुत सारा ऐसा होम पेज बना रखा होगा, जरा इन्होंने जो लोकल एरिया है इनके जहाँ पे ये रैंक कर रहे हैं राइट नाउ 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो जितने भी जिप कोड है आसपास या एक ही जिप कोड मान लीजिए है, जितने भी एरियाज हैं आसपास उन पे इन्होंने आर्टिकल लिख रखे हैं। अगर इन्होंने आर्टिकल लिख रखे हैं तो आपको भी आर्टिकल लिखना है और उसको आउटरैंक करना है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं लोकेशन पेजेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम जैतपुर में रहते हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि इंग्लिश इंस्टीट्यूट इन जैतपुर,
ये हमारा हो गया। इसमें देखना है कि क्या इन्होंने यहाँ पे कोई रैंक कर रखा है अपना ऐसा कुछ, या कोई लोकेशन पेजेस बना रखा है। नहीं बनाया तो भी आपको बनाना है, और अगर बनाया है तो भी आपको बनाना है अलग अलग उस पर। जैसे आपके एरिया में बहुत सारी चीजें रहती होंगी, जैसे मान लीजिए हमारे एरिया में जैतपुर है, सौरभ विहार है, बदरपुर है, ऐसे ही करके बहुत सारे आसपास लोकेशन होते हैं, उन सब से आपको अपना लोकेशन पेज बनाना है अपने वेबसाइट पर, जिससे कि आपका ज्यादा फायदा होगा। कोई भी कहीं से सर्च करेगा तो आप वहां पे अपीयर होंगे, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। तो ये लोकेशन पेज आपको बना लेना है या पहले एनालाइज करके देख लेना है। अब देखो क्या है कि फाइंड अ बिजनेस नियर यू एंड ट्राई टू इंटरैक्ट विथ योर मेन अकाउंट। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका बिजनेस है इंग्लिश से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड है, अब आपको यहां पे कुछ और बिजनेसेस ढूंढने हैं जो कि आपके आसपास है। तो आपने क्या किया कि यहां पे जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया वॉश, जैसे कि कार वॉश वाला है नियर मी, आपने करके सर्च किया। अब ये जो कार वॉश वाला होगा दोस्तों, ये आपके कहीं ना कहीं आसपास होगा, ठीक है ना। ये जो जे भी सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखाई, जो भी ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बिल्कुल आपके आसपास होंगे। आपको क्या करना है कि इन पे जाना है, इनको किसी भी एक को खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे जाके इन बिजनेस से इंटरेक्शन करना है, ठीक है ना। इन बिजनेस से जाके जब आप इंटरेक्शन करोगे, जब यहाँ पे रिव्यूज लिखोगे, जब यहाँ पर डायरेक्शन रिक्वेस्ट करोगे इनसे, तो गूगल को एक ऐसा मैसेज जाएगा कि आप जो हो वो आसपास के एरिया से इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब आपका जो बिजनेस है वो आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं है, जिससे कि आपको इससे बहुत फायदा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जाकर इनको क्या करना है कि इनका रिव्यू देना है। रिव्यू देने के बाद आपको डायरेक्शन रिक्वेस्ट करना है, कॉल करना है इनको, ताकि गूगल को ऐसा मैसेज पहुंचे कि हाँ जी, जो आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल इसी बिजनेस से रिलेटेड है, या बिजनेस से नहीं भी रिलेटेड है तो इसके इर्द गिर्द है, आसपास है, जिससे कि कोई भी बंदा अगर सर्च करेगा बिजनेस आपसे रिलेटेड तो आप उसको दिखाई दे दोगे। तो इनसे अलग अलग बिजनेस से जाके आपको इंटरेक्शन करना है, डायरेक्शन रिक्वेस्ट करना है, रिव्यूज देने हैं, ताकि लोग आपको जानने लग जाए, गूगल पे अच्छा मैसेज पहुंचता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि क्रिएट अबाउट मी गूगल पेज। बहुत से लोग यहाँ पे ये गलती कर देते हैं। आपको क्या करना है कि आपको ना एक अबाउट मी पेज बनाना है। तो गूगल का अबाउट मी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ टाइप किया गूगल अबाउट मी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अबाउट मी करके एक सेक्शन खुल जाएगा। अबाउट मी जो वाला सेक्शन है, इस पे आपको जाना है और इसमें जितने भी डिटेल पूछी जाएगी दोस्तों उसको आपको फिल करना है। जैसे कि आपका नाम हो सके तो जो आपका बिजनेस का नाम है बिल्कुल उसी को यहाँ पे पुट करें, ठीक है, अपने नाम में। अपने बिजनेस का प्रोफाइल डालें, ठीक है। उसके बाद जेंडर, बर्थडेज, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे चेंज करें, अगर आपका मेल है तो अदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालें, वही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालिएगा जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा दोस्तों। अबाउट से रिलेटेड डालिएगा कि क्या क्या लिंक है, कहाँ कहाँ आप काम करते हैं, इसमें सब कुछ प्लेसेस है आपके, जो भी सबको यहाँ पे फिल करिएगा। आपका प्रोफाइल लिंक है, ठीक है ना, एड इंट्रोडक्शन, जो भी बिजनेस से रिलेटेड सब आप यहाँ पे अपना फिल कर दीजिएगा, जिससे कि गूगल को एक अच्छा मैसेज पहुंचता है। गूगल देखता है, रिलेट करता है कि हाँ जी, इसका प्रोफाइल में भी सेम इन्फॉर्मेशन है जो कि इसने अपने बिजनेस लिस्टिंग में डाल रखा है। तो इसको बिल्कुल सही से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप आता है कि क्रिएट कस्टम मैप। आपको कुछ कस्टम मैप्स क्रिएट करने होंगे और अलग अलग एरिया से रिलेटेड, जैसे कि हाउ टू रीच आपका यहाँ बिजनेस नेम फ्रॉम कुछ लोकेशन डाल देना, जैसे कि हाउ टू रीच इंडियन इंग्लिश फ्रॉम बदरपुर, ऐसा मैंने यहाँ पे सर्च करके और कस्टम मैप बना लिया। दोस्तों कस्टम मैप आपको बनाना होगा, आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पे आप डाल सकते हो कस्टम मैप, ठीक है। गूगल आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि माई मैप का यहाँ पे सेक्शन आएगा, इस पे आपको जाना है और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे मैप्स आप, ठीक है ना। तो माई मैप के ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे गेट स्टार्टेड करके आप बहुत सारे यहाँ से मैप क्रिएट कर सकते हैं। मैप क्रिएट करने से क्या होगा दोस्तों कि गूगल को ऐसा मैसेज जाएगा, या लोग मान लीजिए सर्च करते हैं आपके यहाँ पर, तो बहुत सारे सिग्नल उनको जाएंगे जिससे कि आपके बिजनेस में आने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे मैप आप क्रिएट कर सकते हैं। मैप क्रिएट करने से आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। आपके बिजनेस रिलेटेड बहुत सारा यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, माई मैप से आप जा सकते हैं और यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि गूगल को ऐसा मैसेज पहुंचता है। देखिएगा दोस्तों उसके बाद क्या है कि टेक अ हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। आप क्या कर सकते हैं कि जो भी
आपकी वेबसाइट होगी उसका जो कंसोल है उसका आप हेल्प ले सकते हैं, वहां देख सकते हैं कि जो भी क्वेरी सर्च की गई होगी उससे रिलेटेड आपको जीएमबी पोस्ट बनाना है, आपका गूगल माय बिजनेस का पोस्ट बनाना है। इससे क्या होगा कि जो लोग सर्च कर रहे हैं जिस टर्म के बारे में जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है उससे रिलेटेड उनको कोई पोस्ट दिखाई देगी, उसको वो पढ़ेंगे और आपके जीएमबी पर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों क्या है कि ऑप्टिमाइज ऑल योर पोस्ट बाई असाइनिंग देम लोकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन। अब क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेस है आपका, तो उस बिजनेस को आपको जैसे कि मान लीजिए हमने यहां फिर से वही टाइप कर लिया इंग्लिश इंस्टीट्यूट नियर मी, हमने यहां सर्च करा, तो जैसे कि ये बिजनेस है, इस बिजनेस से हमने इंटरेक्ट किया और हमने ये देखा कि इस बिजनेस में कितने फोटोज हैं। पहले फोटोज आपको एक बार सर्च कर लेना है, देखना है कितने फोटोज इन्होंने अभी तक अपलोड किए हैं, तो देखेंगे कि यहाँ पे 39 फोटोज हैं। एक बार इन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे दोस्तों 39 फोटोज आपको मतलब आइडिया ले लेना है दूसरों से और ऐसे ही अपने पर्टिकुलर उस पर आपको करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है जितने भी फोटोज हैं लोकेशन से या जिस भी तरीके से आप इसे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फोटो आइडिया मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लिकेशन से ऐसे रिप्लिकेट कर सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं, लिंक ऑल द लोकेशन पेजेस, मतलब जो भी आप अपने वेबसाइट पर लोकेशन पेजेस बनाएंगे जैसे कि जिप कोड पे अलग अलग जिप कोड पे जो आप लोकेशन पेजेस बनाएंगे उन्हें एक दूसरे से लिंक करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और जीएमबी को अच्छा मैसेज उसके लिए पहुंचता है। गूगल को जब अच्छा मैसेज पहुंचेगा दोस्तों तो आपका जीएमबी रैंक जरूर करेगा। तो ये कुछ चीजें थी जिन पे मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताइएगा और अगर आपके कोई डाउट है तो भी बताइएगा, मैं उसको हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहूंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।